जब अमेरिका के टीचर्स क्रिसमस में होती है तो सुनो बच्चों, हमें ना क्रिसमस का कल तुम्हें पूरा गाना पाठ करके आना है, मैं 2 दिन की छुट्टी देने वाली हूँ। ओके ओके मैम। और जब इंडिया में टीचर होती है तो बेटा सारे बच्चे ना वो जिंगल बेल वाला गाना 2 दिन में पाठ करके आएंगे, 2 दिन की छुट्टी है, चलो 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 जाओ और पाठ करके आना ही है वरना क्लास में नहीं लूँगी मैं। ओके मैम, मैं करके आऊँगी। और अमेरिका के बच्चे किसी को गाना सुनाते हैं तब मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा, किसी ने मारा क्या? नहीं मम्मी, मेरा अपना क्रिसमस का गाना सुनो ना। हाँ बेटा सुनाओ। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल, सांता क्लॉज इज कमिंग अराउंड, हा 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 ला ला ला। कैसा है मम्मी? अच्छा है बेटा, ऐसा मम्मी बोल रही है मेरी। और जब इंडिया में बच्चे गाना सुनाते हैं तो मम्मी सुनो ना। क्या है? मैंने ना वो टीचर ने जो गाना बताया था ना पाठ करने के लिए, वो मैंने पाठ कर लिया है पूरे का पूरा। ठीक है सुनाओ। जिंगल बेल बा जिंगल बेल बा जिंगल बेल बा बाजेला, बूढ़ा दाढ़ी वाला बुढ़ी वो तो फाले के हारेरा, ए जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, बूढ़ा गाड़ी वाला बुढ़िया गाड़ी आके गिफ्ट फाले के बाजेला, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, बूढ़ा गाड़ी वाला बुढ़िया गिफ्ट लेके हाजिर है। ना मम्मी हो गया, क्या गंदा गाना गाया है तूने तो। स्कूल में यही बता दूं। हेलो। और जब टीचर सबको पूछती है कि क्या क्या बोला है, तब चेकिंग में देखो इंडियन और अमेरिका के बच्चे दोनों आए, इस बार मिक्स है। बच्चों चलो सबसे पहले हम अमेरिका के बच्चों को पूछते हैं। और मैंने मैसेज में हमारे ये भी डाला था ना